आप बात कीजिए, हम आते हैं। हमें आपसे बात करनी है महाराज, हमें चलना चाहिए। हाँ हमें भी लगता है चलना चाहिए। आपको ये डेढ़ हाथ के नाप की रस्सी, यही आपकी चुनौती है। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इस रस्सी से आप कितना धन कमा सकते हैं। जो ज्यादा धन कमाएगा वही इस चुनौती का विजेता होगा। मुगल सम्राट को पड़ोसी देश जगनगढ़ के महामंत्री वीर प्रताप का प्रणाम। प्रणाम प्रणाम वीर प्रताप जी, प्रणाम। आपका हमारे दरबार में स्वागत है। आप तशरीफ रखिए और बताइए कैसे आना हुआ। सुना है आपके दरबार में काफी बुद्धिमान और होशियार लोग हैं। कई हैं और कई नई भी हैं। हमारे महाराज ये जानना चाहते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन आपके महाराज ये जानना चाहते क्यों हैं? इसलिए महाराज, ताकि कभी उन्हें किसी राय और मशवरे की जरूरत पड़े तो वह निसंकोच यहाँ आकर आपसे मिलके अपने समस्या का समाधान ले सके। ये तो ठीक है वीर प्रताप जी, लेकिन इसके बारे में आप पता कैसे लगाएंगे? एक छोटी सी चुनौती देकर महाराज। चुनौती? कैसी चुनौती? जैसे कि आप देख रहे हैं महाराज, आपके सामने दो बर्तन हैं, एक 5 कद का है तो दूसरा 3 कद का है और दोनों पानी से पूरे भरे हुए हैं। इन दोनों बर्तनों में से ठीक 4 कद पानी निकालना है। वीर प्रताप जी, ये कैसी चुनौती है जब आपका एक बर्तन सिर्फ 5 कद पानी ले सकता है, दूसरा बर्तन सिर्फ 3 कद पानी ले सकता है। इन दोनों को इस्तेमाल करके 4 कद पानी कैसे निकाला जा सकता है, ये कैसे मुमकिन है? महाराज, चुनौती है तो थोड़ी सी मुश्किल तो होगी। अब देखना है कि आपके दरबार में वो कौन सा शख्स है जो इस चुनौती पर खरा उतर कर दिखा सके। महाबलदेव। बीरबल। ये रहा 4 कद पानी। वाह वाह। हम पूछते हैं महाराज कि आप ये शतरंज का खेल सिर्फ बिरबल के साथ ही क्यों खेलते हैं? भाई साहब के साथ क्यों नहीं खेलते? बलदेव के साथ? नहीं नहीं, हमने एक बार बलदेव के साथ भी खेला था। दूसरी चाल चलने के लिए 2 दिन तक वो अपनी चोटियों को खोलते और बंद करते रहे, लेकिन चाल नहीं सूझी उन्हें। आप कहना चाहते हैं हमारे भाई साहब बेवकूफ है बिल्कुल हमारी तरह? नहीं नहीं, आपको बेवकूफ कौन कह रहा है? भाई बेवकूफ है तो बहन भी हुई ना। हम तो कह रहे हैं कि वो भी थोड़े बहुत समझदार है। थोड़े समझदार? बहुत भी लगाया हमने साथ में। अरे अगर समझदार नहीं होंगे तो इतनी बड़ी रियासत के वजीर आजम कैसे हो सकते हैं? वही तो, वो वजीर है लेकिन दरबार के सारे फैसले वो बिरबल लेता है। आप बताइए आप चाहती क्या? हम चाहते हैं कि आप भाई साहब को मौका दें ये साबित करने के लिए कि वो भी बिरबल से कम बुद्धिमान नहीं है और वो बिरबल की जगह ले सकते हैं। ओह हो, ओह हो। तो एक बार फिर हम पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि अपने दरबार में हम बीरबल को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते और दरबार के बाकी लोगों के हुनर और काबिलियत को हम तवज्जो नहीं देते। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि यह बात सच नहीं है और यह साबित करने के लिए आज हम ये ऐलान करते हैं कि जो इंसान हमारी इस बात से इत्तफाक नहीं रखता है वो सामने आए, उन्हें अपना हुनर और काबिलियत दिखाने का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। क्यों बीरबल, आपको इस बात से कोई एतराज तो नहीं? महाराज, आपका हर हुक्म सर आंखों पर।
तो आगाज हो, कौन है जो अपना हुनर और अपनी काबिलियत हमारे सामने पेश करना चाहेगा? महाराज, तुम पेश करना चाहोगे? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मेरी तरफ तो देखेगा भी मत, मैं नहीं आऊंगा कहीं सामने, मैं यहीं पे ठीक हूं। ओहो हो, ओहो, ये पूरा का पूरा दरबार तुम्हारे एहसानों के तले दब गया है। तुमने बचा लिया बीरबल को, बीरबल तुम बच गए, वरना देखो तुमसे मुकाबला करने कौन आ रहा था, कौन कौन आ रहा था, कौन? और कौन है जो यहां पर आकर अपना हुनर और काबिलियत हमें दिखाना चाहेगा? बैठो बैठो, नहीं तुम बैठो। बलदेव अपने बेटे को समझाओ, जिंदा रहने का ये आखिरी मौका भी ये हाथ से गंवा देगा। आप में से और को रहने दीजिए। हाँ, दरबार में और कोई अगर बलदेव, आपको नहीं लगता कि आपको अपने हाथ से ये मौका गंवाना नहीं चाहिए? महाराज, बात अगर काबिलियत और हुनर साबित करने की है तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं महाराज। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुनिए मामूजान, सबसे पहले आप जाइए बाजार, वहां पे इस रस्सी के दोनों सिरों पर एक एक लंबा डंडा बांध दीजिए और उस डंडे को जमीन में गाड़ दीजिए और उसके बाद इस रस्सी पर आप करिए नटकला, बिल्कुल बंदर की तरह। खूब धन बरसेगा मामूजान, खूब धन बरसेगा। आपको बंदर के वेश में देखकर लोग खुशी से पागल हो जाएंगे। खुश तो करना है महाराज को उर्वशी, उनके भरोसे पे खरा भी उतरना है, पर इस तरह से। तो फिर किस तरह? नहीं जानता उर्वशी, पर कुछ तो करूंगा, चलता हूं। खेल में क्या गिरना और क्या उठना, लेकिन तसल्ली इस बात की है महाराज कि किसी भी तरह से हमने चंद सिक्के कमाए हैं जरूर, और आपने जिस तरह की चुनौती दी है मुझे यकीन है कि बीरबल ये चंद सिक्के भी कमाकर नहीं ला पाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। महाराज की जय हो। ओहो, बताइए बलदेव, कैसा रहा आपका दिन आज? भाई मुझे बता, अच्छा ही रहा होगा। भाई शक्ल बता रही है इनकी कि जीत के लौटे हैं मेरे पिताजी। भाई आखिर तरकीब किसने दी थी? नहीं लेकिन शक्ल से कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा है। बोलो ना भाई साहब, कैसा रहा आपका दिन? ताकि आपने बताता हूँ। अरे ले लो रस्सी ले लो, अरे ताजी गर्मा गर्म रस्सी ले लो, ले लो रस्सी ले लो गर्मा गर्म। क्षमा करे महाराज, मगर आपके इस कुटिल अतरंगी असंभव चुनौती ने मुगल सल्तनत के वजीर आजम को आज भिखारी बना दिया। पर सच कहे महाराज, मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि एक चुनौती थी, एक खेल। खेल में क्या गिरना और क्या उठना, लेकिन तसल्ली इस बात की है महाराज कि किसी भी तरह से हमने चंद सिक्के कमाए हैं जरूर, और आपने जिस तरह की चुनौती दी है मुझे यकीन है कि बीरबल ये चंद सिक्के भी कमाकर नहीं ला पाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।